ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि गुना में बस अग्निकांड होने के बाद जिले का पुलिस प्रशासन जागा हुआ है, जिसके तहत शहर के झांकी रोड चौराहा, गोला का मंदिर चौराहा समेत शहर की जगहों पर यात्री बसों पर कार्रवाई की जा रही है। बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जांच की जा रही है और साथ ही परमिट फिटनेस को लेकर यात्री बसों को रोककर चेक किया जा रहा है। वहीं इस जांच में कई बसों में सुरक्षा व्यवस्था की उचित मानक और सामान नहीं मिलने पर बसों को जब्त किया जा रहा है। आज जो अभियान वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त होने पर आज जो अभियान चलाया जा रहा है, सवारी वाहन जो बसेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसमें विशेष फोकस ये देख निर्धारित किया गया है कि उनके डॉक्यूमेंट जो फिटनेस सर्टिफिकेट है और परमिट है और कहीं ओवरलोड तो नहीं है, और इसके अलावा उनमें अग्निशमन यंत्र जो आग बुझाने का यंत्र है वो उपलब्ध है कि नहीं, उपलब्ध है तो वैलिड कंडीशन में है कि नहीं, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, अभी लगभग हमने चेकिंग पूरी शहर में 3 जगह चल रही है और तीनों में लगभग 1 सैकड़ा वाहन की चेकिंग की है, जिसमें मैक्सिमम सवारी बसों में 90% बसों में ये इक्विपमेंट नहीं पाए गए और उनको कई लोगों को तो मालूम ही था कि हमको ये बसों में रखना है।